नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर सीधी के कोतवाली थाने के गाजन गांव से है, जहां बुजुर्ग के घर में घुसकर आरोपियों द्वारा मारपीट की धमकी और गाली गलौज की गई। पीड़ित के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने बताया कि लगभग आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे आरोपियों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की। फरियादी का कहना है कि फरियादी का सगा भाई जगदीश प्रसाद कुशवाहा रात में फोन करके घर में घुसकर सबको जान से मार डालने की धमकी देता है और कहता है कि सीधी पुलिस को मैं खरीद चुका हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया है कि उसके पुत्र कृष्ण कुमार कुशवाहा को पहले ही जान से मारकर बबूल के पेड़ में फांसी लगाकर लटका दिया गया था, लेकिन सीधी पुलिस द्वारा आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। फरियादी का कहना है कि मैं थाना कोतवाली पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के पास न्याय की गुहार लगा चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फरियादी का कहना है कि सीधी की प्रशासनिक अमला अगर मुझे न्याय नहीं दिला सकता तो मुझे गोली मार दे, क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाता हूं, मुझे रात दिन डर बना रहता है, मुझे आरोपियों द्वारा हर दिन धमकी दी जाती है। कहाँ के थे जी? गुंडा कहाँ के थे? गुंडा गुड़ाही के थे। गुड़ाही के मार्शल, एक मार्शल आए थे, उसमें 8-10 लोग थे, तो बतावत मुसलमान साथी लेके आए थे और वह कुशवाहा लोग थे। ये घटना के पहले की बात है क्या? घटना की पहले की बात है। आज जब घटना हुई, रामलाल कुशवाहा के यहाँ मेरा लड़का बारात में गया था निमंत्रण करने, उसके बाद साहब मेरे लड़कों को गुंडे नदी में लगे रहे और सरोज कुशवाहा मोबाइल से उसको बुलाया, उसके अवैध संबंध था, अब बुला के और लोग लगे रहे वहाँ। जब वह लौटते समय बुलाया तो उसने वहाँ मार डाला, और जो मारा तो मालती सिंह बारात से लौटते समय, बारात देखते गई थी तो वो मालती सिंह गई थी बेचारी, तो वो गवाह हैं, और बाल गोविंद सिंह ये दोनों देखे थे मारते से घेरे थे उनको मारने के लिए, हमारे लड़के के कृष्ण बहादुर कुशवाहा को। ये सब हमारे लड़कों को जान से ख़त्म करने की पहले से धमकी दिए थे हम लोगों को, हमारा कोई सुन नहीं रहा था। हम थाने में रिपोर्ट कराया तो उल्टा सुलटा लिखते हैं, जो हम कहते हैं वो पुलिस वाले नहीं लिखते, उल्टा लिखते हैं, सब पैसा लेके अपने मर्जी से लिखते हैं नकल। उनके यहाँ SDB DSP के यहाँ हमारा गवाह लेने के, जो गवाह लेने के बुलाया गया पुलिस भेजे, तो हाँ हमारा सब उल्टा सुलटा लिखा गया। और वो बोला कि हम जाते हैं, हमको भूख लगी है, फिर जाके गरुलेश कुशवाहा से पैसा लिया एक आदमी उससे, अब फिर मेरी पूरी रिपोर्ट गलत लिख दिया, कहते हैं खेत की झगड़ा है, ऐसा ऐसा हर विभाग पैसा ले रहा है साहब हमारा, अब कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई जांच न, कोई पुलिस खुलेआम गुमराह भी मारने की धमकी मुझे दे रहा है, हमारे घर पे गुंडा भेजा जाता है, हम लोग डरते हैं, रात सोते नहीं हैं। आप FIR का नकल रखे हैं? सब कुछ रखे हैं साहब, FIR का नकल पूरा सब कुछ रखी है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वो बोलता है कि हम सीधी इलाका खरीद चुके ना, हमको कुछ होने वाला नहीं है, पूरा पूरा सरपंच पूरा विधायक सब उसके तरफ बोलते हैं कि आप हत्या कर लिया, कहते हैं कि आप हत्या कर लिया, तो हमारा लड़का हमारे लड़के को मार के अब फांसी में लटका दिए हैं, उन लोग मार के फांसी में लटका दिए हैं, और उसकी न टट्टी छुटी न पेशाब छुटी न उसकी लार चूहा कुछ नहीं है, फांसी जो हमारे गाँव के पूरा गवाह कि ऐसी फांसी हमने नहीं देखा कि टट्टी पेशाब नहीं छुटकी, उसकी लार नहीं चूहा है, उसको बिल्कुल लेमारा तोड़ के अब बबूर के पैर में लटका दी नहीं, और डॉक्टर भी मिलजुल लिया है और गलत PM दे दिया है पैसा लेके, और पुलिस भी पैसा लिया है साहब, मध्य प्रदेश शासन में भ्रष्टाचार है, अब कोई सुनने वाला, जिसका पैसा वालों को सुनते हैं, हमारे गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है, जो गरीब है वो मर जाए उसका कोई नहीं सुनता है पैसा वालों। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग TV के साथ। नमस्कार।